ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका जीनियस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और 3.2 में मैंने कुछ क्वेश्चन पढ़ा दिया था और आज 3.2 का दूसरा प्रश्न होगा। हालांकि वीडियो थोड़ा सा धीरे धीरे बन रहा है और धीरे धीरे इसको हम गति बनाएंगे, ठीक। और इसमें क्वेश्चन है अनुपात तो A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये ध्यान देना है, इसको हाईलाइट करना है। प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, नंबर दो। विशेष ध्यान देना यहीं पे, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको विशेष ध्यान देना है। प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं, ये तीन चीज़ें आपको पहचानना है, ठीक। अब तीन चीज़ को पहचानने के लिए इसमें अगर देखें तो पहला क्वेश्चन है 5x-4y+8=0। दूसरा समीकरण है 7x+6y-9=0। तो हल इसका जो शुरुआत करेंगे वो होगा, समीकरण एक को बोलते हैं A1x+B1y C1=0। ये हो जाता है। तो A1 का मतलब क्या है, यक्स का जो भी गुणांक होगा उसे ही A1 कहेंगे। तो समीकरण एक में देखें तो A1 हमारा क्या निकल के आएगा, A1 यक्स का गुणांक क्या है, 5 है, तो हम लिख देंगे 5। उसके बाद B1y, इसका मतलब y का जो गुणांक होगा उसी को ही हम बोलेंगे, तो हम लिखेंगे B1 बराबर क्या बनेगा हमारा, -4। अब देखिए C1 का मतलब जो अचर पद है हमारा, C1=8। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि A1 कैसे मिला, B1 कैसे मिला, C1 कैसे मिला, ठीक है। क्यों, क्योंकि सूत्र है, ये सूत्र हम कह सकते हैं, ये वाला क्या है, सूत्र है, ठीक। A1x+B1y+C1=0। तो x का जो भी गुणांक होता है उसे A1 कहते हैं, y का जो गुणांक होता है उसे B1 कहते हैं, यहाँ पे जो होता है वो C1 होता है। तो हमने लिख दिया कि A1=5, B1=-4 और C1=8, ठीक। तो इसी तरह से समीकरण दो में जब बनाएंगे, इसको अगर लिखना चाहें तो समीकरण एक भी कर सकते हैं, समीकरण एक से इसको हम लिख सकते हैं, समीकरण दो से इसका जो सूत्र होता है A2x B2y C2=0। अब क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि यक्स का जो भी गुणांक होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे, y का जो गुणांक होगा उसे b2 बोलेंगे, यहाँ पे जो होगा वो क्या बोल देंगे, c2 बोलेंगे। तो हम लिखेंगे a2 बराबर क्या मिलेगा, 7, b2 बराबर क्या मिलेगा, 6 और c2 बराबर क्या मिलेगा, -9। यहाँ तक तो करना आसान है, ठीक, पूरी तरह से आसान है, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ पे हमको ये ध्यान देना होता है, प्रतिच्छेदी पहचाने तो पहचाने कैसे, समांतर पहचाने तो पहचाने कैसे, और संपाती को पहचाने तो कैसे। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में
एक विशेष रूप से बनाया हुआ है और उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक, फिलहाल मैं इसमें भी एक बार से रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि समांतर, संपाती, प्रतिच्छेदी, ये संगत, असंगत, एक हल है, अनेक हल हैं, ये सारी चीज़ों को पहचानने के लिए जो तरीका होता है उस तरीके को जानना आसान है। ठीक है, फिलहाल इसमें हमको ध्यान देना है प्रतिच्छेदी कैसे पहचानेंगे, समांतर कैसे पहचानेंगे, संपाती कैसे पहचानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। महत्वपूर्ण तथ्य, तो ग्राफ नंबर 1 की बात करें, देखेंगे दो रेखा है एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रही है। ग्राफ नंबर 2 में एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर एक रेखा और जा रही है। ठीक, ग्राफ नंबर 3 में दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक, जो एक दूसरे पे काट रही है प्रतिच्छेदी है, जो एक दूसरे को टच करके जा रही है उसे संपाती रेखाएं कहते हैं, और जो समांतर रेखाएं हैं एक दूसरे के बीच समान अंतर है उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। अब इन चीज़ों को भी समझने के लिए हम कैसे समझेंगे प्रतिच्छेदी है, जब स्थिति ऐसी दिखे कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, ऐसी स्थिति को कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। ठीक, एक हल कहेंगे और संगत है कहेंगे। ठीक, तीन चीज़ें कह सकते हैं, मतलब A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 तो इसको ही प्रतिच्छेदी कहते हैं, इसको ही एक हल कहते हैं, इसको ही संगत कहते हैं। ठीक, इससे पहले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है, देख लीजिएगा, फिलहाल यहाँ पे भी मैं डिटेल से ही एक बार बता रहा हूँ। ठीक, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इसको ही संपाती कहते हैं, इसको ही अनंत हल कहते हैं, इसको ही संगत कहते हैं। ठीक, तो संगत में दो जगह मिल गया, ऐसी चीज़ें रहेंगी तब भी संगत है, ऐसी चीज़ें रहेंगी तब भी संगत है। ठीक, आगे देखिए, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, इसको बोलते हैं हल संभव नहीं है, समांतर रेखाएं हैं, असंगत है। तो ऐसी स्थिति मिल जाएगी तो आपको क्या बोल सकते हैं, तीनों को बोल सकते हैं समांतर रेखाएं, हल संभव नहीं है, असंगत है। ठीक, तो A1, A2, B1, B2, अब इसको देख लीजिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, इसमें हम बनाने का प्रयास करेंगे। चलो देखिए, पहले लिखते हैं A1 बटे A2, इसका मान देख लेते हैं कितना है। ठीक, A1 बटे A2, A1 कितना है 5 और A2 कितना है 7, तो ये हो गया। फिर क्या आता है B1 बटे B2। अब देखिए B1 कितना है -4 अपान, B2 कितना है 6, तो ऐसे हो गया। अब इन दोनों को हमको ध्यान देना है, क्या ये प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समांतर है, तो हम क्या करेंगे इसको, तो ऐसे लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक, A1 की जगह पे जितना है उसको कर लेते हैं, मतलब 5/7, या फिर यहाँ पे हम कर देते हैं। ठीक, A1 बटे A2 मतलब 5/7, अब देखना बराबर होता है कि नहीं होता है। अब B1 कितना है, अच्छा पहले बराबर लगा देते हैं, अगर बराबर नहीं होगा तो कट कर देंगे। ठीक है, B1 कितना है -4/6, तो क्या आपको लगता है क्या दोनों बराबर है, बराबर 5/7 4/6, इसका मतलब बराबर तो नहीं है ना। जब ये बराबर नहीं है तो इसका ये अस्पष्ट मतलब है, क्या लगाएंगे इसमें, ऐसे बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, क्रॉस मल्टीपल क्रॉस लगा देंगे इसको। ठीक, अब ऐसा ही चित्र देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, ये है कहाँ। ठीक, इसमें आकर देख लीजिएगा, ये है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो हम इसको क्या कहेंगे,
प्रतिच्छेदी कहेंगे। और पूछा क्या है इसमें उन्होंने, प्रतिच्छेदी बताइए, समांतर बताइए, संपाती बताइए। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो इसको हम कह देंगे कि ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अतः यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक, कि आप समांतर, संपाती, प्रतिच्छेदी, इस पे ज़्यादा कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत यह है कि आप इसको याद कर लें बस। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसी को कहते हैं एक हल है, इसी को कहते हैं संगत है। फिर से A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इसको कहते हैं संपाती रेखाएं हैं, इसको कहते हैं अनंत हल है, इसी को कहते हैं संगत है। फिर से यहाँ पे देख लेना है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, इसको कहते हैं समांतर रेखाएं, हल संभव नहीं है, असंगत है, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन को लगा दिया है। अब इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, ठीक, और हमको ये कमेंट करके बताइएगा कि मेरे पढ़ाने के बाद क्या आपने क्वेश्चन को लगाया कि नहीं। आप देख रहे हैं कि इस तरह की गर्मी में मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक, और आपका रिप्लाई, आपका जवाब, आपका जो वर्क होगा, आपका जो कमेंट होगा, वो हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक। मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है इसके आधार पे जितना भी क्वेश्चन लगता है लगा लेना, ठीक, क्योंकि यही आगे पूछेंगे, प्रतिच्छेदी, संपाती, समांतर, एक हल है, अनंत हल है, हल संभव नहीं है, संगत है, संगत है, असंगत है। तो कमेंट में बताइए क्या आपने सवाल को हल किया कि नहीं, ठीक। अगर मेरे पढ़ाने के बाद आपने सवाल को हल किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हमारी मेहनत अगर आपके लिए थोड़ा भी लाभदायक होगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो बनाते रहें, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।